नमस्कार, मैं हूँ स्वाति पाराशर और स्वाति की पावन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही शिमला मिर्च। दही शिमला मिर्च आपने बहुत खाई होगी और बच्चे भी अधिकतर खाते हैं, लेकिन शिमला मिर्च की सब्जी नहीं खाते। शिमला मिर्च तो खाते हैं लेकिन उसमें पिज्जा में खाएंगे, चाउमीन में खाएंगे, लेकिन सब्जी नहीं खाएंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही नए तरीके से दही शिमला मिर्च, जो कि बच्चे भी खाएंगे। शिमला मिर्च मैंने ये 4 बड़े साइज के शिमला मिर्च काट लिए थे। ये देखिए, एक में मैं आपके सामने ये काट रही हूँ। बस इसका ये बीज जो पीछे का है ये निकालना है हमको, और ये साइज़ में काट लेना है। ये देखिए, ये इस साइज़ की। तो स्टार्ट करते हैं हम दही शिमला मिर्च। ये मैंने शिमला मिर्च काट ली है, देखिए इस साइज की। अब इसमें क्या क्या मसाले लगेंगे ये बताती हूँ मैं आपको। ये मैंने 1 कटोरी दही लिया है, और ये इस चम्मच से 5 चम्मच बेसन है, ये 5 टेबल स्पून बेसन है। 1 बड़ा चम्मच तेल है, ये जीरा पिसा हुआ है, भूंज के पीस लिया है जीरा, 1 चम्मच जीरा है 1 टेबल स्पून। और ये 1 टेबल स्पून नमक है, और ये 1/2 टेबल स्पून मिर्च है, लाल मिर्च। ये 1/4 काली मिर्च है, और ये हल्दी है 1 टेबल स्पून, हींग, और ये हरी मिर्च मैंने 1 ही डाली है, इसमें ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि काली मिर्च भी डालेंगे, इसलिए हरी मिर्च ये बहुत तेज़ है इसलिए मैंने 1 मिर्च ही डाली है। अभी दही में हम ये प्याज है, 3 बड़े साइज के प्याज काट लिए हैं लंबे लंबे ऐसे, देखिए। और ये दही में इस बेसन को हम फेटेंगे, इस बेसन को इसमें दही में फेटेंगे। चलिए इसको हम फेटते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के और फेट लेंगे इसको। ये फेट लिया है मैंने, देखिए, और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया मैंने 1 कटोरी। चलिए गैस ऑन करती हूँ मैं, कढ़ाई चढ़ाती हूँ मैंने। इसमें मैं तेल डालती हूँ, 1 बड़ा चम्मच जो मैंने निकाला था। तेल गर्म हो गया है, मैंने गैस को मीडियम फ्लेम में कर रखा है। अभी मैं शिमला मिर्च भूंजूंगी, इसमें शिमला मिर्च को भूंजूंगी। मीडियम फ्लेम है अभी गैस, इसको मैं भूंजूंगी अभी 5 मिनट करीब भूंजूंगी इसे। ये देखिए भूंज गया है, 7 मिनट हो गए हैं मैंने इसको मीडियम फ्लेम में भूंजा है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, हींग डालना मैं पहले भूल गई थी, मैंने हींग डाल दिया है इसमें। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, हरी मिर्च 1, और मैं आपको टमाटर बताना भूल गई थी, मैं इसमें 2 टमाटर मीडियम साइज के 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालती हूँ। ये हल्दी है, नमक है, आप इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इसमें दही और बेसन का जो घोल है 2 मिनट भूज के और वो डालूंगी, ये डालती हूँ दही बेसन का घोल है। 2 मिनट भूजने के बाद मैंने ये डाल दिया, इसको भूजते हुए आपको बीच बीच में इसको चलाते जाना है, चलाते रहिए इसको, ढक देंगे 4-5 मिनट के लिए, और बीच में आपको इसको चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। लाल मिर्च डाल देती हूँ इसमें, ढक देते हैं 4-5 मिनट इसको, बीच में इसको चलाते हुए रहेंगे। अभी इसको चलाएंगे, 10 मिनट हो गए हैं भूजते हुए। अब इसमें मैं काली मिर्च डाल देती हूँ,
ये जीरा पाउडर है, ये काली मिर्च है। इसको 2 मिनट और ढक के पकाएं। इसको चला दिया, इसको 2 मिनट और भूंजेंगे। शिमला मिर्च में विटामिन ए सी और के होता है, इसमें फाइबर होता है जो कि हमें कई प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है, रोगों से बचाता है हमको। तो हमको इसे ज़रूर बना के बच्चों को भी खिलाना चाहिए, बड़ों को भी, और ये बच्चे बहुत पसंद करेंगे ये सब्ज़ी भी। चाउमीन और पिज़्ज़ा में तो शिमला मिर्च खाते ही हैं, लेकिन ये सब्ज़ी भी बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है। हरा धनिया डाल दिया मैंने इसमें और सब्जी हो गई है, बन गई है सब्जी, तैयार हो गई है। 2 मिनट हो गए हैं। अगर तैयार हो गई है सब्जी, देखिए ये बन गई है, तैयार हो गई है। आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।